नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो बड़ा ही एक दुखद समाचार है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में आपको पता है कि हमारा जो आय का एक साधन है वो किसान है, जमींदारा है और खेती है। लगातार आप आए दिन खबरें देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को है वो नुकसान है, वो झेलना पड़ता है। आज झज्जर जिले के गाँव दुब्बल धलमाजरा में एक किसान है नसीब, जिनके पिता का नाम है छोटू राम। उन्होंने धान की फसल है वो 11 एकड़ में है वो लगाई थी, उसमें से एक एकड़ जमीन है वो उनकी खुद की थी और 10 एकड़ जमीन उन्होंने उघाई बाटे पे, हम बोलते हैं कि ली थी ठेकेदार के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आसपास के गांव से है, छुचुकवास से, राधा स्वामी खाद बीज भंडार से है, वो कीटनाशक दवाइयाँ खरीदी, हर वर्ष वो वहीं से है खरीदता था। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने बताया कि मैंने जो दवाइयाँ खरीदी वो कीटनाशक थी और धान की फसल की ग्रोथ के लिए उन्होंने वो खरीदी थी, जिससे अगर जब उन्होंने वो दवाइयाँ धान की फसल में उसका यूज किया, उनका प्रयोग किया, तो बिल्कुल तैयार हुई हुई फसल, जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि पूरी तरह से फसल वो तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी, उसका सारा खर्च है वो किसान ने कर दिया था। उसके बाद वो जब वो दवाई का प्रयोग होता तो दवाई खराब निकलती है, जिसके कारण पूरी 11 एकड़ जमीन है जो धान की मैं कहूँ, जीरी की कहूँ, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। बर्बाद होने के बाद किसान, आपको पता है कि तमाम ऐसी स्थितियों से गुजरता है कि वो सुसाइड तक है पूछ जाते हैं। नसीब ने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। ये मैंने मारने के लिए ले थे, एक किला मेरा खुद का है और दूसरा के ले रखे 10 किले 11 किले मैंने धान लगाया। शुरू से खाद बीज दवाई में जो भी लिया, छुचुकवास से लिया था मैं। कौन सी दुकान पर से आया छुचुकवास? ये राधा स्वामी है छुचुकवास। अच्छा, उस दुकान से लिया था। सारी वो चली भी ग्रोथ की, गब्बे मारा मैं, गोभे गब्बे मारी सब मारे, हमें मार दू आगे कल कोई बीमारी ना हो। तो दवाई लिया, तो दवाई लागने के बाद हफ्ता पाँच मैंने देखा मैं, ये तो रोज रोज डाउन आ रहे हैं। फिर मैंने उसके पास कॉल कराया, भैया इसमें तो ये मैं डाउन हो ताजा है, मैं बोले आऊंगा डॉक्टर बुलाऊंगा डॉक्टर बुलाऊंगा। फिर तीसरे दिन फिर फोन करे, मैं 2 दिन तो हो गया तेने फोन करते हैं, बोले कल आऊंगा कल आऊंगा। 15 को मैंने ये दवाई मैं लिया था उसके पास और वो 25 को यहाँ आया देखने के लिए। और फिर न्यू बोले ये तो भाई मैं क्या करूँ, तुमने मारने में गलती कर दी होगी। मैं मारने में गलती जब करूँ, मैं और किसी दुकान से खरीद रहा हूँ, बिल तेरी दुकान का रहा, सारा दवाई मैंने प्रोजेक्ट तेरे से ले रखे है और ये 40,000 का किला ले रखे माल का और 25-23,000 रुपए मेरा खर्चा हो रहा, कुछ उधार भी होगा और जोड़ेंगे तो ऊपर भी निकल सकता है। बिल भी आपके पास? हाँ बिल भी है, वो भी करवा रखे है जो सरकार की ओर से होता है। अच्छा, तो आपने मेरा फसल मेरा भी मैं करवा रखे, वो बनवाया था मैंने। अच्छा, वो बनवा रखे आपने? हाँ, वो 8 किला बन रहे, 3 किला वो भी नहीं बने। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन ये चाहो मेरी भरपाई कर दे, जो भी कुछ हो रहा है ये गलत वो कर रहा तो उसके साथ वो करे, उसको सजा दी जाए, मेरी भरपाई हो जाए। कल ना मैं चाहूँ ऐसा धोखाधड़ी और किसी भाई के साथ न हो। अब मैं भी क्या करूँ, मेरी लड़की है वो भी शादी लायक हो रही है, मैं कहाँ से तो कर पाऊंगा। कल ऐसा ना हो भाई कोई खुद खुशी कर ले जमींदार, तो उससे बचे नकली दवाइयों से। इसके बाद जो उन्होंने प्रार्थना की है कि नुकसान है वो चलता रहता है, आप सुसाइड की तरफ मत जाइए, लेकिन ऐसी कंपनियों से आप सावधान हो जाइए कि आपका नुकसान बच सके और आप किसानी कर सके, अपना जीवन है चला सकें। दूसरा अब मैं जिक्र करता हूँ, ये तो आप बीती थी इस किसान की जो हमने आपको दिखाया, उनकी बातें भी आपको सुनाई। अब ये हल्का है जो विधानसभा क्षेत्र है, अभी अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हुए थे, भाजपा ने तीसरी बार है वो यहाँ पर सरकार बनाई है, भाजपा ने सरकार बनाई है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश की भी भाजपा की सरकार है। वहाँ पर मनमोहन यादव हैं मुख्यमंत्री, कल प्रधानमंत्री हैं, वो किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। लगभग मध्य प्रदेश में 81 लाख किसानों को वो है मुआवजा देंगे और 1625 करोड़ है वो मुआवजा किसानों को मध्य प्रदेश सरकार देगी। और प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम रहेगा, मंदसौर जगह है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ आप आइए हरियाणा के अंदर, जिला झज्जर है, दुब्बलधन गांव है। और जब चुनाव चल रहे थे तो तमाम यहाँ के कांग्रेस के लीडर थे, भाजपा के लीडर थे,
तमाम पार्टियों ने किसानी को मुद्दा बनाया और किसानी के मुद्दे पर अच्छे वोट है यहाँ से हासिल किए। अब उन नेताओं की भी परीक्षा है। यहाँ से जो विधायक हैं वो लगभग 7 बार बने हैं। डॉक्टर रघुवीर कादयान, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए आय दोगुना करेगी, किसानों के लिए हम ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आएंगे जिससे वो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अब उनकी परीक्षा है, क्या वो उस स्थल पे जाएंगे जहाँ पे नुकसान हुआ है? उन्हीं का गांव लगता है, ये नसीब है, उन्हीं के गांव से आता है, गांव दुबल धन माजरा वो इकट्ठा है, और उनसे बातचीत करेंगे क्या कहीं से मुआवजा उनको प्रोवाइड करवाएंगे ये, या उनकी कोई स्टेटमेंट आएगी? ये तमाम बातें हैं वो देखने के योग्य हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनके भाषण में भी आपने सुना होगा कि किसानों का रेत है वो थैलियों में भी बिकेगा। आप देखते हैं कि वो कितना इस किसान की मदद करते हैं, कितना वो आगे आते हैं। उसके बाद भाजपा कह रही थी, भाजपा के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए, लगभग 1.5 साल तक किसानों ने प्रोटेस्ट किया। टिकरी बॉर्डर, दासा बॉर्डर हमारे बिल्कुल करीब है, लगभग 1 साल हमने यहाँ से खबरें कवर की, तमाम नेता वहां भी आते थे। उन किसान संगठनों को भी ये परीक्षा है, आज वो किसान है दीपावली के त्योहार पर मुसीबत में है, कौन उसकी मदद के लिए आगे आएगा, क्या कोई स्टेटमेंट आएगी? दूसरी तरफ भाजपा से प्रत्याशी थे संजय कबलाना, जो अभी अभी इस नए हलके में गए हैं, उनकी अभी परीक्षा है कि वो अभी इस किसान की कितनी आवाज है उठाते हैं, उनकी सरकार है क्या वो इनको मुआवजा दिलवाते हैं, तमाम बातें हैं वो सामने आएंगी। और संगठन थे, किसान संगठन से थे, तमाम नेता हैं बेरी में, जो ट्रैक्टर ट्रेलिया लेके जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे बेरी में। पार्षद हैं फोर्ड माजरा, जिन्होंने बेरी तहसील का ताला लगवाया था, ताला लगवाने के बाद कुछ जो एकड़ जमीन का मुआवजा उन्होंने दिलवाने में कामयाब वो रहे थे। अब ऐसे ही सिचुएशन फिर फोर्ड माजरा के सामने भी है, क्योंकि वो यहाँ से पार्षद हैं, उनकी धर्मपत्नी वो पार्षद, उनका काम वो ही देखते हैं। उनके सामने भी एक परीक्षा, दोबारा से फिर संघर्ष करना होगा, फिर तहसीलों में जाना पड़ेगा और इस किसान को है मुआवजा दिलवाए या फिर उस कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा हो, तो तमाम ऐसी खबरें हैं। आपको मैं बताऊं कि किसान के पास ऐसा कुछ और साधन नहीं होता, और जिस तरह से नसीब ने बताया कि उनकी बेटी है, उनकी शादी भी करीब है, और जितना भी पैसा उन्होंने जुटाया था, इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा इन्वेस्ट है वो इस फसल में किया था। एक निजी कंपनी की छोटी सी गलती या बड़ा एक उन्होंने गुनाह किया है किसान के साथ। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो उनकी फसल को नहीं बचा सकता, तो आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से लालच में उस परिवार को है दिवाली के अवसर पर उन्होंने बिल्कुल है कमर तोड़ दी, मातम में है वो बदल दिया। जो उनके साथ थे उनकी भी आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मान के चलो 11 किले में अगर जमींदार खेती कर रहा है, 60-70 हजार रुपये किले का उसका खर्चा भी हो जाता है, उसका तो बचने वाले 10-20 हजार रुपये किले का जो अपनी मेहनत होती है वो बचनी थी। किसा का पहले ले रखा है, उसका लेवा देवी करनी थी जमींदार ने, ये भी तो यो हाल हो गया, इसमें तो मरण का राह हो रहा है जमींदार का, तो कहां से तक पहले ले रखे उसका खर्चा पूरा करेगा? और यो यो काम जब 2-4 जमींदार का लोर हो जाए, किसी और के साथ हो जाए, तो उसके साथ क्या बना? खेती न जमींदार बालक की लड़ पाला है। अगर 6 महीने में उसको आस लग गया है भाई कोई मैं अपने बच्चे का कोई काम करूँ, कि फीस दूंगा कि मोर दूंगा, यो काम हो गया, किस किस का कितना करेगा बेचारा भाई? यो जमींदार कति मरण के कगार पा रहा है। प्रशासन ते यह उम्मीद है इसके साथ जो गलत कराया, चाहे किसी दवाई वाले ने कराया, चाहे किसी कंपनी ने, जिसने इसके साथ फ्रॉड कराया अपने 2 रुपये कमाने के चक्कर में, मैं उसको तो सजा दी जाए, इसको न्याय दिलाया जाए, जो इसका उचित जो मुआवजा बनता है, प्रशासन से उम्मीद है कि इसको ये दिलवाया जाए। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की ये कार्रवाई ये रहेगी, आज हम DC साहब से मिलने जाएंगे, DDO साहब से मिलेंगे, इनके FIR भी लॉन्च करवाएंगे, और आगे जाएंगे, कोई अफसर अच्छी सलाह देगा जो बताओगा वो करेंगे, कोर्ट में केस भी दायर करेंगे। कहा आपने ये सुना कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप बचिए इस दुख की घड़ी में, आप कुछ ऐसा कदम न उठाइए, आगे है आप बढ़ते रहिए, और जो तमाम नेता हैं मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा, वो क्या कहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।